अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, जिसके लिए ये मैं पालक ली हूँ। 300 ग्राम मैं पालक ली हूँ। इसका जितना भी मोटा तना था उसे मैं निकाल करके अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और अब मैं पालक को बॉईल कर लेती हूँ, जिसके लिए ये मैं 1 लीटर तक पतीला में पानी डाल दी हूँ। और मैं अब इसके अंदर नमक डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से, और पानी के अंदर उबाल आने देती हूँ। ये पानी में बॉयल आ गया है और अब मैं इसके अंदर पालक डाल देती हूँ। पालक को मुझे ज़्यादा नहीं पकाना, बस पालक डालने के बाद एक बॉयल आ जाए, हो गया, उसके बाद निकाल लेना, नहीं तो पालक ओवर कुक हो जाएगा। पालक में एक बॉयल आ गया है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं पालक को निकाल करके ठंडे पानी में डाल दूँगी, क्योंकि ठंडे पानी में डालने के बाद पालक का जो कलर है वो वैसे ही रहेगा, बिल्कुल ग्रीन। ये मैं डाल दी और अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ इसका पानी निकाल करके। ये मैं एक जार ले ली और इसे हल्के हाथों से दबा दबा कर पानी निकाल कर, जो एक्सेस वाटर है उसके बाद मैं इसे डाल देती हूँ जार के अंदर। इसके अंदर मैं 3 हरी मिर्ची डाली हूँ और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाली हूँ, और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इधर मैं 1 लार्ज साइज़ का प्याज ले ली हूँ और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ले ली हूँ। इसे मैं अच्छे से चॉप्ड कर लेती हूँ। और अब मैं एक पैन में तेल डाल देती हूँ। मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देती हूँ। और जो चॉप्ड की थी मैं प्याज उसे डाल देती हूँ और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। देखिए प्याज ब्राउन हो गया है और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालती हूँ, और इसे थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाली हूँ, और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाली हूँ। इसे भी हल्का सा सॉटे कर लेती हूँ। और अब मैं इसके ऊपर से जो टमाटर चॉप्ड की थी वो डाल देती हूँ। और टेस्ट के हिसाब से नमक, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए। और मैं टमाटर को अच्छे से सॉफ़्ट कर लेती हूँ। देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर से वो जो पालक का जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं 250 ग्राम पनीर ली हूँ। मैं पनीर को फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए मैं पानी को बॉईल कर ली नमक डाल करके, उसके अंदर मैं 10 मिनट पहले ही पनीर को डाल दी। और अब मैं पनीर को काट लेती हूँ। अपने हिसाब से आपको जैसा शेप डालना वैसा डाल दें। और इसमें पालक में उबाल भी आ गया है और अब मैं इसके अंदर ये जो पनीर है वो डाल देती हूँ। देखिए पालक का जो रंग है बिल्कुल हरा है, ठंडे पानी में डालने की वजह से। ये मैं सारा पनीर अच्छे से डाल देती हूँ और हल्के हाथों इसे चला लेती हूँ, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर क्रीम डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम ली हूँ, उसे डाल दी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, डाल देंगे तो टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और इसे मैं मिक्स करके मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली हूँ, जिसे मैं अच्छे से रब करके और इसे मैं डाल देती हूँ। ये मिक्स कर ली और अब मैं तड़के की तैयारी करती हूँ, जिसके लिए ये मैं 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा ली थी, जिसे इस तरह पतला पतला काट ली, और 3 मैं लहसुन की कली ली हूँ, इसे भी मैं काट लेती हूँ।
मैं एक पैन डाल दी हूँ और अब मैं इसके अंदर तेल डाल देती हूँ। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून तक तेल डाल दी हूँ, बस थोड़ा सा, और मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून बटर डालूँगी। बटर मेल्ट हो गया है और अब मैं इसके अंदर ये लहसुन जो चॉप की थी वो डाल देती हूँ, और लहसुन में हल्का गुलाबी कलर आने देती हूँ, उसके बाद ही मैं जिंजर डालूँगी, नहीं तो फिर जिंजर का कलर थोड़ा चेंज हो जाता। देखिए हल्का गुलाबी हो गया और अब मैं इसके अंदर जिंजर डाल देती हूँ। ये मैं डाल दी हूँ और हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया और अब मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, इसे डाल देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से पहले ही आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, वरना ये जल जाएगा। तेल गर्म रहता है, उसी में अच्छे से फ्राई हो जाता है। और अब मैं इसको ये पालक पनीर के ऊपर अच्छे से डाल देती हूँ। ये मेरा पालक पनीर तैयार हो गया है, अब बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।